हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं इससे पिछले वाले क्लास में आप लोगों को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा उनके कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिए थे। आज की जो हम टॉपिक आप लोगों के सामने लाए हैं, आज के जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट हैं और हर एक टॉपिक अच्छे मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। हमको पता है वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जिनमें समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो आपका वैद्युत ध्रुव होता है। तो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। चलिए एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं और एक क्या लेते हैं, माइनस क्यू आवेश लेते हैं। तो एक वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं, एक माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। वैद्युत ध्रुव का नाम ए और बी रख दिए गए तथा इनके मध्य की जो अल्प दूरी थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 2L हो गया। ठीक, ये आपने क्या बना लिया, एक वैद्युत ध्रुव ए भी हो गया। अब इनका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इनका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही इनका मध्य बिंदु O माने तो वो दूरी जो 2L थी वो दूरी L L भागों में बट गई, L यहाँ से लेके यहाँ तक और L दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक, अब बात आती है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत खींची गई रेखा पर स्थित बिंदु ही निरक्षीय बिंदु कहलाता है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, तो ध्यान से देखिएगा, लंबवत खींची गई रेखा, तो हम लोग एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, ये बना लिए। अब इस पे स्थित जो भी बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो ये आपकी निरक्षीय स्थिति। तो मानते हैं, माना ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा, जो आप लोग डायग्राम में बनाए हो सो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए जरा सा फिर से हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, तो इस बिंदु P पर मानते हैं एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि किसी भी बिंदु P पर, किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है। तो उन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे भैया, मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब हम करते क्या है, इस पे आपने कहा कि एक परीक्षण आवेश क्यों जीरो है, तो आपको पता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले क्यों जीरो को क्या कर लेगा, ये इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इनके द्वारा जो लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो ई इंटू क्या हो गया, ए हो गए। ध्यान से समझिएगा, ये ए के कारण था, तो इनके कारण लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, ई ए हो गए। अगर आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि माइनस क्यू आवेश इधर रहा होता, प्लस क्यू आवेश इधर रहे होते, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपको लग रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश इधर कर देते हैं और माइनस क्यू आवेश यहां पर कर देंगे। तब क्या होगा, तब जो ई ए इधर हो रहे हैं, ये परिणामी आपको इस लाइन पर मिल रहा है, वो परिणामी आपको इधर की तरफ मिल जाएगा, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए हो जाएगी। ठीक, ये माइनस क्यू वाला प्लस को अपनी तरफ प्रतिकर्षित कर लेगा। हमने आपको दोनों तरफ करके दिखा दिए, माइनस क्यू इधर भी, प्लस क्यू इधर भी, चाहे जिधर माइनस क्यू प्लस क्यू रखी कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखते हैं, ये प्लस वाला जो होगा, ये प्लस आवेश को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इस पे लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, जरा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं भैया, ये निरक्षीय स्थिति थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति। ठीक, अब क्या होता है, ये इनके द्वारा लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो गई, इधर की तरफ हो गई। तो ध्यान से समझिएगा, ये
ईबी हो जाएंगे, ये बी के कारण लगने वाले। आइए हम लोग इनको फिर से समझते हैं, इनके डायग्राम को। हमने क्या कहा, ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इसलिए इस पे लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ थी, और ये प्लस वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इनके इनकी लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर थी। अब हम यहां पर देख रहे हैं जो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, न तो वो एक दिशा में है, न तो वो एक दूसरे के विपरीत है, बल्कि एक दूसरे के साथ थीटा कोण अंतरित कर रहे हैं। क्या अंतरित कर रहे हैं, थीटा कोण अंतरित कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा जरा सा, ये एक दूसरे से क्या कोण अंतरित कर रहे हैं भैया, थीटा कोण अंतरित कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे से थीटा कोण पे अंतरित हो रहे हैं, तो अब हम लोग इसी परिणामी ईए और ईबी का क्या कर देते हैं, वियोजन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईए और ईबी एक सदिश राशि होती है, तो हम लोग यहां इनका क्या कर देंगे, वियोजन कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है, कि जैसे कोई सदिश ये हो गई, ईए हो गई, या कोई सदिश यू हो गई, तो इनका हमको वियोजन करना रहता है। तो हम लोग एक क्षैतिज घटक खींच देते हैं और एक ऊर्ध्वाधर घटक खींच देते हैं, तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर घटक होती है, आपकी क्षैतिज घटक होती है, और ये इनके परिणामी के साथ मिला दिए जाते हैं। तो ये वाले जो होंगे, जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो u cos थीटा होता है, और जो क्षैतिज घटक होता है वो u sin थीटा होता है। जैसे अगर हमको इसका करना हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ea cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, ea sin थीटा हो जाएंगे। बात समझ में आया, ये आपके क्या हो गए क्षैतिज घटक, ये आपके क्या हो गए ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम लोग वहां पर करते हैं, तो ea का वियोजन करने पर क्या करने पर भैया, ea का वियोजन करने पर, तो ea का वियोजन करने के लिए आप एक ऊर्ध्वाधर घटक खींचोगे और एक क्या करोगे, क्षैतिज घटक खींचोगे। ध्यान समझिएगा, अब क्या करोगे, अब इनके परिणामी को इनसे इनसे मिलाओगे, तो इनके परिणामी को मिलाओगे जब, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी भैया, ई, ये किसका काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये इस रेखा का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे भैया, एक मिनट के लिए ध्यान से खूब समझ लीजिएगा कि आपका काम कौन कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक को फिर से समझते हैं, यहां पर क्या होता है कि हमने क्या कहा भैया कि ये कोई सदिश ले लेते हैं, ठीक, ये कोई सदिश ले लेते हैं, ये मान लेते हैं, माना कोई सदिश क्या है भैया, ए है, इसका हम लोग वियोजन करते हैं, इसका वियोजन करते हैं, इसका वियोजन करते समय ध्यान से समझिएगा, इनका हम लोग वियोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज लाइन खींचेंगे और क्षैतिज लाइन को इनको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, इनको परिणामी को यहां पर मिला देंगे। तो जो ऊर्ध्वाधर वाली लाइन होती है वो ए साइन थीटा से दिखाते हैं, और जो क्षैतिज वाली लाइन होती है वो कॉस थीटा ए से दिखाते हैं, ठीक, ये परिणामी ए कॉस थीटा, परिणामी ए साइन थीटा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, ठीक, ध्यान समझिएगा। इसी प्रकार ई बी का हम लोग करेंगे, किसका करेंगे भैया, ई बी का करेंगे, तो ई बी का जब वियोजन करेंगे तो ई बी सदिश आपका इस प्रकार है, ठीक, ध्यान समझिएगा, ई बी सदिश आपका इस प्रकार है, तो एक लाइन ये खींच देंगे, एक लाइन ये खींच देंगे, तो ये लाइन आपका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, और ये लाइन आपका क्या होगा, क्षैतिज घटक। तो इनके परिणामी को अगर मिला दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, ई बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग यहां पर समझते हैं, तो इसका वियोजन करेंगे, तो एक लाइन हम लोग यहां पर और निर्माण करेंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इनको डॉट डॉट मिला दोगे तो ये हो जाएंगे EB sin थीटा, और ये फिर से इसी पर मिलेंगे, आपको एक लाइन और मिलेगा, इसी पे मिल जाएंगे EB cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई, जरा सा आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, हमने EA का वियोजन किया, तो EA का सदिश EA का वियोजन किए तो इसके दो घटक हो गए, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक हो गए EA cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो गए EA sin थीटा। इसी प्रकार सदिश EB का जब हमने उन्हें वियोजन किया तो एक क्षैतिज घटक EB cos थीटा आ गए, एक ऊर्ध्वाधर घटक EB sin थीटा आ गए। अगर आपको ये इतना डायग्राम समझ में आया होगा तो आगे के डेरिवेशन कुछ नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों A से बिंदु P की दूरी और B से बिंदु P की दूरी निकाल लेते हैं जरा सा। तो A से बिंदु P की दूरी तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझिएगा, पाइथा लिखते हैं बिंदु A व B से P की दूरी, P की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, ये दूरी क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही दूरी आपको ये भी मिल जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर जिनको ये कॉन्सेप्ट न आ रहा हो कि कहाँ से आ रहे हैं, तो हम आपको समझा सकते हैं, रफली के रूप में देख सकते हो आप कि एक त्रिभुज लीजिएगा पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण कौन है भैया, यहाँ ए पी है, तो ए पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन है आपका, ओ पी है,
और आ प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ओ ए है, ध्यान से समझिएगा। अब एपी क्या है, एपी आपको निकालना है, ओपी आपका मान पता है, ओपी कितना है भैया, ओपी के बीच की दूरी कितनी है आर है, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो यही चीज हमने लिखा है कि बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपको यहां बता दिए गए। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, बीच की दूरी हमने निकाल लिया, अब हम लोग देखते हैं जरा सा डायग्राम पे चलते हैं। हमने यहाँ देख रहे हैं कि जो बिंदु P पर चार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मिल रही, एक EB cos थीटा, EA cos थीटा, EA sin थीटा, EB sin थीटा। तो देखिए जरा सा ध्यान से देखिएगा, EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, चूंकि EA sin थीटा व EB sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग लिखते हैं भैया क्या लिखते हैं, अब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही दिशा में हो जाएगा। हमको पता है कि जब कोई भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक ही दिशा में होती है तो उनकी परिणामी क्या कर दी जाती है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, EA बराबर 1/4πε0Q/ बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है AP का स्क्वायर है। ठीक भैया, अब ध्यान से समझिएगा, बीच की दूरी आपने निकाला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये AP है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, EA बराबर 1/4πε0Q/ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहता है और उसका वर्ग किया जाता है तो उससे अंडर रूट हट जाते हैं और संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, EA बराबर 1/4πε0Q/ ये अंडर रूट हट जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या आ गया, एक आ गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q/r² + l² ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गया। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी वही है तो परिणामी भी वही आपके होंगे। अब चलते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, दोनों में cos थीटा क्या है भैया, आपके कॉमन है, तो cos थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, EA प्लस EB और ये क्या लगा दिए, cos थीटा लगा दिए। ध्यान से समझिएगा, आप EA का मान रखते हैं तो EA का मान समीकरण एक और EB का मान समीकरण दो से रख देते हैं, तो EA का मान क्या है, 1/4πε0Q/r² + l² ठीक। उसके बाद EB का मान देखिएगा, 1/4πε0Q/r² + l² और साथ साथ में आपने क्या लगा दिया, cos थीटा जो कॉमन था। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/4πε0 आपके क्या है भैया, कॉमन है, तो 1/4πε0 आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखिएगा तो q/r² + l² यहाँ भी q/ क्या आ जाएगा, r² + l² आप देखिएगा जरा सा, इन दोनों के हर बराबर हैं तो अंश क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हर बराबर होने पे अंश को जोड़ दिया जाता है। तो जरा सा इस cos थीटा को हटाते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
क्या होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज चाहे पी ओ बी से चाहे पी ओ ए से कॉस थीटा को हम लोग हटा सकते हैं। तो जरा सा यही समझ लेते हैं भैया, जरा सा त्रिभुज पी ओ ए में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। और आधार यहाँ आपका क्या है, पी ओ ए में आधार आपका एल है और कर्ण ये है, तो एल बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉस थीटा बराबर है। तो हम कॉस थीटा का मान यहाँ रख देते हैं, तो कॉस थीटा का मान रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अब क्या हो जाएगा, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जोड़ के हो गया टू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान है एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अब देखिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि जहां क्या होता है P बराबर Q इंटू टू एल, ये किसको बता रहा है, P को बता रहा है। तो 1 बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट P किसको बता रहे हैं, P को बता रहे हैं, फिर बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इनको हम लोग अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या लगा देंगे, एक बटे क्या लगा दिया जाएगा, दो लगा दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और इनका पावर कुछ नहीं है, तो इनके पावर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आधार बराबर है, इनके घात जुड़ जाएंगे, और एक और प्लस एक बटे दो करोगे तो क्या आ जाएंगे, 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर क्या हो गया, 3/2। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी आ गई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यदि यहीं पर विशेष स्थिति लगा लेते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, यदि ये जो R है वो L की तुलना में काफ़ी बड़ी हो, यानी L की उपेक्षा कर देते हैं, तो लिखेंगे यदि R काफ़ी बड़ा हो L से, तब L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा करने पर, तो L की उपेक्षा कर देंगे तो यहाँ L नगल हो जाएगा, L जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर पावर 3/2, दो से दो कैंसिल हो गए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब, ये आ गई निरक्षी स्थिति पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बोर्ड पेपर के लिए, इस साल के बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इस तरह समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।